इसके साथ ही अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़ ने भी अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास आदिवासियों के अनुरूप नहीं हो पाया है, इसलिए आदिवासी समाज ने इस बार प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। प्रथम सूची में 19 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। लड़ेंगे जीतेंगे अब आही हमर राज, इस स्लोगन के साथ सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हुए हमर राज पार्टी चुनावी मैदान पर है इस बार, और इसको लेकर आज प्रत्याशियों को घोषणा भी की है। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बी एस रावटे जी हैं, इनसे सीधे चर्चा करेंगे, जानेंगे ये इस बार आप लोग चुनावी मैदान में है, 19 प्रत्याशियों को घोषणा भी किए हैं, आखिर किन उद्देश्यों के साथ आप लोग चुनाव मैदान में क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का पहले कोई इरादा नहीं था, हम लोग सामाजिक काम करते थे, लेकिन 20 साल से हम समाज का काम कर रहे हैं और सरकार वादे पे वादा कर रही, 3-4 चुनाव हो गया लेकिन न तो जाति प्रमाण पत्र समय पे दिया, न किसानों का काम किया, और बस्तर जैसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। आदिवासी बेमौत मारे जा रहे हैं, उसकी जाँच नहीं होती है, उनके आवास उजाड़ दिए, 600 गांव उजड़े हैं, एक गांव नहीं बसा है, सरकार आज तक नहीं बता पाई। जी, समय काफी कम है क्योंकि अभी आप लोगों के पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं आया है, ऐसे में कैसे कर पाएंगे पूरी जो चुनाव प्रबंधन है? चुनाव चिन्ह का टेलीफोनिक बता दिए हैं, हमारे जनता में पहुंच चुकी है, विधिवत आजकल में आ जाएगी। दूसरा, हमारा समाज चुनाव लड़ रहा है, हम लोग पार्टी तो बाद में आ है, समाज की तकलीफ है इसलिए समाज चुनाव लड़ रहा है, हमको बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं। गांव गांव में संदेश पहुंच चुका है, हमार राज अब आही हमार राज, ये नारा बुलंद हो चुका है, गांव के दीवालों में लिखा गया है, अब की बार आदिवासी सरकार, और लोगों के जेहन में है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, और यही आवाज पूरे गांव गांव में, गली गली में गूंजने वाली है। प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन आप लोग जो घोषणा किए हैं उसमें बहुत कम ही सीटें हैं, तो क्या वजह है पूरी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं प्रथम चरण के आप लोग? उसका कारण यही है कि नाम ज्यादा आ गए हैं और आपसी सहमति बना रहे हैं, तो रोज मीटिंग चल रहा है, तो आज और चलेगा और कल स्क्रूटनी कमेटी का कल फाइनल हो जाएगा, आम सहमति बन जाएगा, तो जो बचे सीट है उसमें हम लोग डिक्लेयर कर देंगे उसको। आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि 75 पार सीटों पर आएंगी, भाजपा दावा कर रही है कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी, सर हमर राज पार्टी की क्या दावा है, कितने सीटों पर आप लोग विजय हासिल करेंगे? हम लोग 10 से 15 सीट हमको एकदम बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, और हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, हम डायरेक्ट सरकार तो अभी बनाना संभव नहीं है, लेकिन हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, इस उम्मीद के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जीतेंगे की आवाज बुलंद करेंगे। धन्यवाद, जय जोहार। ये थे हमारे राज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे जी, इनका साफ तौर पर दावा है हालांकि सरकार में नहीं आएंगे लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे ताकि अपने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।